दोस्तों, बिल्ली एक ऐसे जानवर हैं जो कि फेलिडे परिवार से संबंध रखते हैं और ये उस परिवार की सबसे छोटी सदस्य है। इन बिल्लियों के पास एक मजबूत लचीला शरीर, तीखी नज़र, चौकन्ने कान, नुकीले दांत, तेज पंजे और एक लंबी पूंछ होती है। अगर बात करें इनके वज़न की तो इनका वज़न 3 से 6 किलोग्राम के आसपास होता है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर बात करें इनके आकार की तो इनकी लंबाई 10 से 18 इंच के बीच होती है। ये बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर हैं। इनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ही कमाल की होती है और ये कम रोशनी में, यहाँ तक कि रात में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं और ये लगभग 10,000 वर्षों से हम इंसानों के साथ एक दोस्त के रूप में रह रहे हैं। अगर बात करें इनकी प्रजातियों की तो इस दुनिया में इनकी लगभग 60 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बिल्लियों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल्लियां हजारों वर्षों से हम इंसानों के साथ रहती आई है। ये बिल्लियां दुनिया भर में पाई जाती है और इंसानों ने अपनी सूझबूझ और अपने मतलब से इन बिल्लियों की दर्जनों प्रजातियां बनाई हैं। ये बिल्लियां अपने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों से हम इंसानों का हमेशा से मनोरंजन करती रही है और अपने नटखटपन से सबका मन मोहती रही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शोध से पता चला है कि इन बिल्लियों को लगभग 10,000 सालों पहले ही पालतू बनाया गया है और 2017 के एक अध्ययन से पता चला है कि जब ये बिल्लियां हम इंसानों के साथ जुड़ने लगी तब से ही ये अपने जंगली रिश्तेदारों से अलग होने लगी। तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका ये मिलन कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मादा के गर्भावस्था का समय 65 दिनों का होता है और जैसे ही इनके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे दे रही है। ये बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं और ये एक बार में 4 से 5 बच्चों को जन्म दे देती है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये अपने सारे बच्चों को जन्म दे देती है, उसके बाद ये बच्चे अपनी शुरुआती 1 महीने तक अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। इन बच्चों का सिर छोटा, कान चपटा और आंखें बंद होती है और इन्हें गर्मी और भोजन के लिए अपनी माँ की ज़रूरत होती है। अपने जीवन के पहले सप्ताह में ये नवजात बिल्लियाँ अपना अधिकांश समय सोने और बाकी समय दूध पीने में बिताती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बच्चों को हर 2 घंटे में दूध पीने की ज़रूरत होती है और अगर इसी तरह इन्हें इनकी ज़रूरत के अनुसार अपना पोषण मिलता रहा तो ये 1 हफ्ता पूरे होने के बाद इनका वजन 2 गुना हो जाता है।
तो जैसे ही ये 1 से 2 हफ्तों के हो जाते हैं तो इस दौरान इनकी आंखें भी खुल जाती है, और जैसे ही इनकी आंखें खुल जाती है उसके बाद ये अपने आसपास खोजबीन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगते हैं। तो जैसे ही ये 4 हफ्तों के हो जाते हैं उसके बाद ये अपने व्यक्तित्व रूप में विकसित होना शुरू करते हैं और अपने आप सटीकता से चलने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद ये बहुत ही नटखट हो जाते हैं जिसके कारण ये उछल कूद करना और इधर उधर भागना शुरू करते हैं। और इस दौरान ये दूध पीना छोड़कर भोजन करना शुरू करते हैं। अगर ये लावारिस बिल्लियां हैं तो ये भोजन के रूप में चूहे, गिलहरी या अन्य किसी छोटे जानवरों को खा जाते हैं, और अगर ये पालतू बिल्लियां हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्हें अपने मालिकों के घर में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के आहार मिलते रहेंगे। और इस तरह ये बिल्ली के बच्चे लगातार बढ़ते और विकसित होते हैं, और इसीलिए इनमें परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। इस समय ये बिल्लियाँ आमतौर पर अधिक सक्रिय और शरारती होती है, और सबसे ज़्यादा ये हर तरफ से चौकन्ना रहते हैं। ये अपने जीवन के पहले 3 महीनों तक बड़ी गहराई से अपनी माँ के साथ बने रहते हैं, और अगर ये लावारिस बिल्लियाँ हैं तो इस बीच ये अपनी माँ से जिंदगी की सीख लेते हैं, जिसमें सतर्क रहना, घात लगाना और शिकार करना आदि चीज़ें शामिल होती है। तो जैसे ही ये अपनी प्रजाति के आधार पर 6 से 7 महीनों के हो जाते हैं उसके बाद ये पूरी तरह से किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं और यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। जो लावारिस बिल्लियाँ होती है वो किशोरा अवस्था में पहुँचने के बाद अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इस तरह ये अपने जीवन चक्र और परिवार का विस्तार करते जाते हैं। लेकिन जो पालतू बिल्लियाँ होती है उनके किशोरा अवस्था में पहुँचने से पहले ही उनके मालिकों द्वारा उनकी नसबंदी करा दी जाती है या फिर उसे नपुंसक बना दिया जाता है ताकि उसके व्यवहार, गुस्से और प्रजनन करने की इच्छा को नियंत्रित किया जा सके, ताकि आने वाले समय में यानी भविष्य में वो हमेशा शांत और स्नेही स्वभाव के साथ बिना किसी तनाव के अपना जीवन जीते रहे। तो जैसे ही ये अपनी प्रजाति के आधार पर 2 से 3 सालों के हो जाते हैं उसके बाद ये वयस्क अवस्था में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही ये वयस्क अवस्था में पहुंचते हैं उसके बाद इन वयस्क बिल्लियों को बच्चों की तुलना में बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें अभी भी खेलने और शरारत करने की इच्छा बनी रहती है, और यही कारण है कि अगर ये बिल्लियाँ ज़्यादातर घर के अंदर अपना समय बिताती है तो इन्हें बाहर घुमाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इनके दिमाग को ताजगी और मन को शांति मिल सके। और जो लावारिस बिल्लियाँ होती है वो तो पहले से ही बाहरी दुनिया में घूमने की आदी होती है, और उन पर खुद के सिवाय किसी और का नियंत्रण नहीं होता, और इसीलिए उनके व्यवहार में कभी भी कोई भी परिवर्तन देखा जा सकता है। तो जैसे ही ये अपनी प्रजाति के आधार पर 7 से 8 सालों के हो जाते हैं उसके बाद ये वरिष्ठ अवस्था में पहुंच जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी इनका एक लंबा जीवन बचा हुआ है, लेकिन इस दौरान इनके शरीर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती है। इस अवस्था में इनका शरीर बहुत मोटा हो जाता है जिसके कारण ये घूमना फिरना कम कर देते हैं और अधिक समय तक सोते हुए ही पाए जाते हैं। इसके साथ ही इनमें हड्डी और जोड़ों से संबंधित समस्याएं भी पैदा हो जाती है, और इतना ही नहीं इनमें शुगर, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दा रोग, बाल झड़ना, आँखों की समस्याएं, दांतों की समस्याएं आदि बीमारियां शामिल होती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि बुढ़ापे में एक इंसान को जिन जिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है वो सभी बीमारियाँ
इन्हें भी परेशान करती है। अगर पालतू बिल्लियों की बात करें तो इस अवस्था में इनके मालिकों को इनका खास ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए इन्हें समय समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि इनकी समस्याओं का इलाज कर इनके जीवन काल की अवधि को और आगे बढ़ाया जा सके। और अगर बात करें इन लावारिस बिल्लियों की, तो इस अवस्था में लावारिस बिल्लियां भी इन सभी बीमारियों से पीड़ित होती है और बदकिस्मती से इनकी इन समस्याओं का इलाज करने वाला भी कोई नहीं होता, जिसके कारण इन सभी समस्याओं से लड़ते और जूझते हुए एक दिन इनकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इन बिल्लियों का जीवन काल 10 से 15 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर इन बिल्लियों को अच्छा खान पान और देखभाल मिले तो ये थोड़े ज़्यादा समय तक भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जो लावारिस बिल्लियाँ होती है वो अपने जीवन काल के आधे समय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि ये बहुत जल्दी सड़क दुर्घटना, विभिन्न प्रकार की बीमारियां और दूसरे बिल्लियों के हमले का शिकार बन जाते हैं, जिसके चलते ये मारे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।